बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। आज हम बनाएंगे ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी बनाने। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। आज हम बनाएंगे ब्लैक टी। ब्लैक टी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे पहले वो देख लेते हैं। एक कप मैंने पानी लिया है, और 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है, 1 टीस्पून मैंने पत्ती ली है, और इससे हम बनाएंगे ब्लैक टी। ब्लैक टी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पानी को गर्म होने के लिए रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने एक पैन लिया है, मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, और ये जब बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कम से कम 4 से 5 मिनट में पानी जो है वो बॉयल हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं जी। पानी जो है वो खौल चुका है, तो अब मैं इसमें चीनी और पत्ती दोनों ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरह से हल करेंगे यानी डिज़ोल्व करेंगे। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा 1 से 2 मिनट में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ब्लैक टी जो है वो तैयार हो चुकी है, तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। टी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वाइट शुगर ऐड ना करें। और इसके अलावा इसको पीने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बलगम होती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, और चर्बी जो है वो ढलने का नाम नहीं लेती, तो वो इस कहवे को ज़रूर पिएँ। तो ये आप इसको कहवा भी कह सकते हैं, ब्लैक टी भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्लैक टी जो है वो तैयार हो चुकी है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीएलआई चैनल में मैं हमेशा आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, और वो आपको पसंद भी आती हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर।